नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपको प्रिपरेशन ऑफ जुडिशियल चैनल पे आपका स्वागत है। यह सीरीज संविधान का सीरीज है। इसके अकॉर्डिंग यह थर्ड सेशन है। थर्ड सेशन मूल अधिकार पर ही है। थर्ड सेशन में मूल अधिकार संबंधित सभी इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन करा दिया जाएगा। ओके, तो ये क्या है, थर्ड सेशन का सेकेंड वीडियो है। इससे पहले मूल अधिकार का एक वीडियो बन चुका है, ये दूसरा वीडियो है मूल अधिकार का। इसमें आपको क्वेश्चन 27 से 51 तक कवर कराया जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 से शुरू किया जाता है। ओके, मूल अधिकारों से असंगत या उनकी अल्पीकरण करने वाली विधियाँ को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 12 तथा ऑप्शन बी अनुच्छेद 13 तथा ऑप्शन सी अनुच्छेद 11 तथा ऑप्शन डी अनुच्छेद 21। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी अनुच्छेद 13 में व्यवस्था किया गया है, प्रावधान किया गया है कि मूल अधिकार से असंगत यदि कोई विधि हो या फिर मूल अधिकार कोई अल्पीकरण है या फिर मूल अधिकार को कोई कम करता है, अल्पीकरण का मतलब कम, यदि मूल अधिकार को कम करता है तो कहा तो ऐसी विधि क्या होगी, शून्य घोषित की जाएगी। ओके, अनुच्छेद 13 के अंतर्गत क्या है, मूल अधिकार से असंगत या उनके अल्पीकरण करने वाली विधियों को शून्य घोषित किया गया, जबकि अनुच्छेद 12 क्या है, मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों के, जबकि अनुच्छेद 36 के प्रावधान अनुसार के संदर्भ में राज्य की परिभाषा दिया गया है। ओके, तथा अनुच्छेद 11 क्या है, नागरिकों से, एवं अनुच्छेद 21 क्या है, प्राण अध्यक्ष स्वतंत्रता से संबंधित है। ओके, अनुच्छेद 11 है नागरिकता से का प्रावधान किया जाता है। नेक्स्ट, न्यायिक पुनर्विलोकन संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 11, ऑप्शन बी अनुच्छेद 12 तथा ऑप्शन सी अनुच्छेद 13 तथा ऑप्शन डी अनुच्छेद 15। ओके, न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रावधान निहित है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में। ओके, न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के सब क्लॉज 2 में निहित है। ओके, न्यायिक पुनर्विलोकन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में हो गया, और पुनर्विलोकन कहाँ पे है, तो आर्टिकल 137 में पुनर्विलोकन का प्रावधान बताया गया है। ओके, न्यायिक पुनर्विलोकन हो गया 13 का सब क्लॉज 2 में, और पुनर्विलोकन कहाँ पे हो गया, अनुच्छेद 137। ओके, इसका व्याख्या देख ले, न्यायालय का न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में निहित है। वास्तव में संविधान के अनुच्छेद 13 के 2 से यह स्पष्ट है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनता, भाग 3 यानी मूल अधिकार को छीनता या न्यून करता, यानी फिर क्या, उसको कम करता, और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई विधि क्या होती है, उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी, अर्थात उसका विधि मान्यता का न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ओके, जबकि अनुच्छेद 13 के सब क्लॉज 1 के अनुसार विधि के अंतर्गत भारत में विधि का बल रखने वाला कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ी या प्रथा आता है विधि के अंतर्गत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधायी कार्यों के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 13, ऑप्शन बी अनुच्छेद 17 तथा ऑप्शन सी अनुच्छेद 18 तथा ऑप्शन डी 245। 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 13 प्रदान करता है, और पुनर्विलोकन कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 137 के अंदर पुनर्विलोकन होता है, न्यायिक पुनर्विलोकन 13, अनुच्छेद 13 के अकॉर्डिंग न्यायिक पुनर्विलोकन किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, अनुच्छेद 13 के 3 के सब क्लॉज 1 के अंतर्गत विधि में समाविष्ट है, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के सब क्लॉज 3 के सब क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग क्या होता है, विधि में क्या क्या आता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए अध्यादेश, आदेश व उपविधि, ऑप्शन बी नियम, विनियम, अधिसूचना व रूढ़ी, ऑप्शन सी संवैधानिक विधि, ऑप्शन नंबर डी कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ी या प्रथा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी सही आंसर है डी, यानी विधि के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ी या प्रथा। ओके, क्या आता है विधि के अंतर्गत, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के सब क्लॉज 3 के उपखंड 1 में यह बताया गया है कि विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाला कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ी या प्रथा आता है। ओके,
नेक्स्ट, भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत निम्न संविधान से लिया गया। नहीं, भारत में जो न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत है यह किस देश से ग्रहण किया गया? ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन के संविधान से, तथा ऑप्शन बी फ्रांस के संविधान से, तथा ऑप्शन सी यूएसए यानी अमेरिका, तथा ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी यूएसए के संविधान से क्या किया गया है, न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत भारतीय संविधान में लिया गया है। ओके, तो यूएसए के क्या सिद्धांत मारवाड़ी बना मेडिसिन के बाद में से यह सिद्धांत ग्रहण कर किया गया है। तो इस केस के चीफ जस्टिस कौन थे? मारवाड़ी बनाम मेडिसिन के मामले का तो थे जस्टिस मार्शल थे। ओके, तो इसका व्याख्या देख लिया जाए। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत यूएसए के संविधान से लिया गया। यह सिद्धांत मारवाड़ी बनाम मेडिसिन के मामले में अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मार्शल द्वारा प्रतिपादित किया गया, जबकि ब्रिटेन के संविधान में संसदीय शासन विधि निर्माण प्रक्रिया एकल नागरिकता संसदीय विशेषाधिकार मंत्रिमंडल का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व तथा औपचारिक प्रमुख रूप से राष्ट्रपति तथा फ्रांस के संविधान से गणतंत्र संबंधी प्रावधान लिया गया। यानी कहने का मतलब अमेरिका से क्या लिया गया है, न्याय पुनर्विलोकन, और इंग्लैंड से क्या क्या चीज़ लिया गया है, इंग्लैंड के संविधान से यानी ब्रिटेन के संविधान से तो संसदीय शासन व्यवस्था लिया गया है, विधि का निर्माण लिया गया है, निर्माण की प्रक्रिया, ओके, एकल नागरिकता लिया गया है, संसदीय विशेषाधिकार लिया गया है, तथा मंत्रिमंडल का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व लिया गया है, तथा औपचारिक प्रमुख लिया गया है, यानी औपचारिक भारत का औपचारिक प्रमुख कौन होंगे तो राष्ट्रपति में लिया गया। तथा फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया, तो गणतंत्र संबंधी प्रावधान कहाँ से लिया गया, फ्रांस के संविधान से लिया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित एवं संशोधित किसी भी विधि को उच्चतम न्यायालय अधिकारिता संविधान के रूप में घोषित कर सकते हैं। ऑप्शन बी उच्च न्यायालय के निर्णय को पुनर्विलोकन करना। ऑप्शन बी उच्च न्यायालय के निर्णय का पुनर्विलोकन करना था। ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय के निर्णय को पुनर्विलोकन करना। तो ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित एवं संशोधित किसी भी विधि को उच्चतम न्यायालय अधिकारिता संविधान के रूप में घोषित कर सकता है। ओके, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान है। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित एवं संशोधन किसी भी विधि को उच्चतम न्यायालय अधिकारिता संविधान के रूप में घोषित कर सकता है। अर्थात न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति न्यायालय की वह शक्ति है जिसके अंतर्गत वह विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियमों की संवैधानिकता की जांच करता है। वे ऐसे किसी भी विधि को प्रवर्तित करने से इनकार कर सकते हैं जो संविधान के उपबंधों से असंगत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी न्यायिक पुनर्विलोकन का तात्पर्य यह होता है कि न्यायालय द्वारा विधानमंडल द्वारा बनाया गया विधि द्वारा यदि उससे क्या होता है मूल अधिकार का अनुच्छेद मूल अधिकार कहाँ यानी भाग तीन का उसके में भाग तीन में या फिर मूल अधिकार द्वारा प्रदान किए गए अधिकार का कोई उल्लंघन होता है तो क्या होता है वह उस मात्रा तक उसको क्या कर दिया जाता है उसे शून्य घोषित कर दिया जाता है अनुच्छेद 13 के अकॉर्डिंग। ओके, उसी को न्यायिक पुनर्विलोकन कहते हैं। इसीलिए कोई भी अधिनियम बनता है फिर संशोधन होता है तो उसको लेकर क्या सुप्रीम कोर्ट में पहुंचाया जाता है। जैसे कि कृषि बिल था उसको लेकर पहुंच गया NIA, जो जो नया नया संशोधन होता है सभी को लेकर के CA, उसको नया कानून बना उसे लेकर क्या सुप्रीम कोर्ट में पहुँच जाता है। किस लिए? तो न्यायिक पुनर्विलोकन के माध्यम से पहुँचा जाता है इसकी वैधानिकता यानी यह वैध है या फिर अवैध है इसको चुनौती देने हेतु अनुच्छेद 13 के सफर 2 के अकॉर्डिंग न्यायिक पुनर्विलोकन के माध्यम से वहाँ पर पहुँचा जाता है। ओके, नेक्स्ट, एक पंथ निरपेक्ष राज ऑप्शन नंबर ए धर्मों को प्रोत्साहित करता है, ऑप्शन बी धर्मों को एकीकृत करता है, तथा ऑप्शन सी धर्मों को हतोत्साहित करता है, तथा ऑप्शन डी धर्मों के प्रति तथास्थ रहता है यानी धर्म से अलग रहता है। ओके, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी एक पंथ निरपेक्ष राज्य क्या करता है धर्मों के प्रति तटस्थ रहता है यानी किसी धर्मों के प्रति उसका झुकाव नहीं रहता। ओके, इसका व्याख्या देख लेते हैं। पंथ निरपेक्ष राज्य जिसे अभिप्राय है कि राज्य सभी धर्मों के प्रति तटस्थ और निष्पक्षता का व्यवहार करेगा। पंथ निरपेक्ष शब्द को भारतीय संविधान के प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। पंथ निरपेक्ष राज्य वह है जो किसी विशेष धर्म को राजधर्म के रूप में मान्यता प्रदान नहीं करता है वरन सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है तथा उनके समान संरक्षण प्रदान करता है। ओके, पंथ निरपेक्ष कहने का मतलब यह है कि पंथ निरपेक्ष राज्य का मतलब राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा तथा वह किसी विशेष धर्म के प्रति झुकाव नहीं होगा उसके लिए सब धर्म समान है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाद संविधान के अनुच्छेद 13(2) में, सॉरी, निम्नलिखित में कौन सा संविधान के अनुच्छेद 13(2) में वर्णित विधि के पद में सम्मिलित नहीं, ओके, यानी संविधान के अनुच्छेद के 13(2) में जो बताया गया कौन कौन सी विधि, कौन कौन सी विधि नहीं है, उसमें कौन सा सम्मिलित है या फिर नहीं, ओके, संसद का अधिनियम, ऑप्शन बी रूढ़ी, ऑप्शन सी विनिमय, तो ऑप्शन डी संविधान का संशोधन, ओके, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी संविधान संशोधन अनुच्छेद 13(2) के संदर्भ में क्या माना जाता है, विधि नहीं माना जाएगा। अब बात बोला गया है कि केशवानंद भारती बनाम के राज्य के वाद में सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्धारित किया कि संसद को मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है और अनुच्छेद 13(2) में वर्णित विधि शब्द के अंतर्गत अनुच्छेद 368 के अधीन पारित संविधान संशोधन उसमें शामिल नहीं, ओके, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन किया जाता है किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग, तो 368 के अकॉर्डिंग किया जाता है, ओके। निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 13 से संबंधित नहीं है, ओके, ऑप्शन नंबर ए पृथककरणीयता का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी तत्व और सार का सिद्धांत, ऑप्शन सी अधित्याग का सिद्धांत, ऑप्शन डी आच्छादन का सिद्धांत, ओके, इसका सही आंसर है अब 35 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी तत्व और सार का सिद्धांत क्या है, अनुच्छेद 13 से संबंधित नहीं है, ओके, जबकि अनुच्छेद 13 से क्या क्या संबंधित है, तो पृथककरणीयता का सिद्धांत संबंधित है तथा अधित्याग का सिद्धांत संबंधित है, आच्छादन का सिद्धांत संबंधित है, ओके, जबकि तत्व और सार का सिद्धांत विधानमंडल द्वारा बनाए गए विधि के लिए अन्य विधानमंडल के क्षेत्र में लागू किए जाने से संबंधित है, तत्व और सार का सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 से संबंधित है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 13 से संबंधित नहीं, ओके, अनुच्छेद 13 में कौन कौन से सिद्धांत है, ओके, नीचे के जो चार ऑप्शन उसमें से कोई एक ऑप्शन है जो अनुच्छेद 13 में का सिद्धांत नहीं है, जबकि तीन अन्य जो है अनुच्छेद 13 का सिद्धांत है, ओके, जो नहीं है उसी को सिलेक्ट करना है, जैसे ऑप्शन है आच्छादन का सिद्धांत, ऑप्शन बी छात्र विधान का सिद्धांत, ऑप्शन सी अधित्यजन का सिद्धांत तथा ऑप्शन डी पृथककरणीयता का सिद्धांत, ओके, तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी छात्र विधान का सिद्धांत अनुच्छेद 13 से संबंधित नहीं है, ओके, जबकि आच्छादन का सिद्धांत संबंधित है, अधित्यजन का सिद्धांत संबंधित है, पृथककरणीयता का सिद्धांत भी उससे संबंधित है, ओके, इसका व्याख्या देख लिया जाए, पहले संविधान के अनुच्छेद 13 के सब कुल 13 में पहला क्या है आच्छादन का सिद्धांत, दूसरा क्या है अधित्यजन का सिद्धांत, तीसरा क्या है पृथककरणीयता का सिद्धांत नहीं था, जबकि छद्म यानी आभासी विधान का सिद्धांत केंद्र में राज्य के बीच विधायी शक्ति के विभाजन संबंधित है, छद्म विधान का सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 में क्या है समाहित, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन जो प्रत्यक्षता नहीं किया जा सकता वो अप्रत्यक्षता भी नहीं किया जा सकता किस सिद्धांत से संबंधित है, यानी एक टाइटल है जो प्रत्यक्षता नहीं किया जाता वो अप्रत्यक्षता भी नहीं किया जा सकता या किस सिद्धांत से संबंधित, ओके, ऑप्शन नंबर ए तत्व एवं सार का सिद्धांत, ऑप्शन बी विवक्षित शक्ति का सिद्धांत, ऑप्शन सी पृथककरणीयता का सिद्धांत, तो ऑप्शन डी आभासी विधायन का सिद्धांत, क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी आभासी विधायन का सिद्धांत से तात्पर्य है जो प्रत्यक्षता नहीं किया जा सकता वह अप्रत्यक्षता भी नहीं किया जा सकता है, ओके, इसका व्याख्या देख लेते हैं, आभासी विधायन का सिद्धांत नीतिगत आधार पर आभासी विधायन के सिद्धांत का नीतिगत आधार यह है कि जो कुछ प्रत्यक्षता नहीं किया जा सकता उसे परोक्ष रूप से भी कहने की अनुमति नहीं दी जा सकती, बिहार राज्य बनाम कामेश्वर सिंह 1952 सुप्रीम कोर्ट के प्रकरण में द बिहार लैंड रिमोट रिफॉर्म एक्ट 1950 को चुनौती दी गई थी, बाह्यता तथा प्रकर्ता इस अधिनियम में प्रतिकर की अवधारणा के सिद्धांत दिए गए थे, वस्तुतः यह सिद्धांत व्यवहारिक और वास्तविक नहीं थे, परिणामतः याचिक की संपत्ति प्रतिकर चुकाए बिना अर्जित की जा रही थी, उच्चतम न्यायालय द्वारा यह धारणा दिया गया कि यह अधिनियम एक आभासी छद्म विधान था अतः अवैध है, उसे शून्य घोषित किया गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया कि अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान का संशोधन अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि है, यानी किस बाद में बोला गया, ओके, ऑप्शन नंबर ए गोलकनाथ बनाम पंजाब राज, ऑप्शन बी सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज, ऑप्शन सी शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ तथा ऑप्शन डी केशवानंद भारती बनाम केरल राज, क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में बोला गया था कि अनुच्छेद 13 के अंतर्गत
विधि होगी जो अनुच्छेद 368 के अधीन संशोधन किया गया है। ओके, इसका व्याख्या देख लेते हैं। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि मानी जाएगी, जबकि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में क्या किया गया, उपरोक्त निर्णय को उच्चतम न्यायालय ने पलट दिया। ओके, तथा उसने बोला कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन होता है तो अनुच्छेद 13 के अधीन वह विधि नहीं मानी जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में यह भी निर्धारित किया गया कि हमारे संविधान की उद्देशिका संविधान के आदर्शों एवं आकांक्षाओं का उल्लेख करती है, इस बात के न्यायाधिपति कौन थे, यानी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का चीफ, इस केस का चीफ जस्टिस कौन थे, ओके, यानी मुख्य न्यायाधीश कौन थे, ओके, इस केस का गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का, जो इस केस में बोला गया था कि उद्देशिका क्या है, संविधान के आदर्श में आकांक्षाओं का उल्लेख करता है। ओके, ऑप्शन ए न्यायाधीश न्यायाधिपति मैथ्यू, ऑप्शन नंबर बी न्यायाधिपति कृष्ण अय्यर, ऑप्शन नंबर सी न्यायाधिपति सुब्बा राव तथा ऑप्शन डी न्यायाधिपति एच आर खन्ना। क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी न्यायाधिपति सुब्बा राव, यानी चीफ जस्टिस सुब्बा राव, न्यायाधिपति सुब्बा राव कौन थे, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के न्यायाधिपति थे। ओके, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य यह 1968 सुप्रीम कोर्ट के बाद में जो संविधान संशोधन से संबंधित है, इस बात के न्यायाधिपति कौन थे, यानी मुख्य न्यायाधीश कौन थे, श्री सुब्बा राव थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बात में अभी निर्धारित किया गया कि समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत दैनिक वेतन के आधार पर नियोजित आकस्मिक कर्मकारों को भी लागू होता है। ओके, समान कार्य के लिए समान वेतन का जो अति सिद्धांत है और दैनिक वेतन के आधार पर, यानी जो डेली वेज पे लेबर करता है, डेली वेज पर जो काम करता है वर्कर सब, उसके आधार पर क्या होता है, नियोजित आकस्मिक कर्मकारों पर भी लागू होता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए किस केस में कहा गया था, चरणलाल साहू बनाम भारत संघ, ऑप्शन बी डॉक्टर के आर लक्ष्मण बनाम तमिलनाडु राज्य, ऑप्शन नंबर सी दीपक सिब्बल बनाम पंजाब विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी धीरेन्द्र चमोली बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी धीरेन्द्र चमोली बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में बोला गया था। ओके, इसका व्याख्या देख लेते हैं। चरणलाल साहू का वाद किससे संबंधित है, भोपाल गैस कांड से संबंधित है, जबकि दीपक सिब्बल का वाद किससे संबंधित है, सायंकाल कक्षा में प्रवेश से। ओके, डॉक्टर के आर लक्ष्मण का वाद किससे संबंधित है, तो घुड़सवार का खेल का एक कौशल का खेल है। ओके, जुआ नहीं है, यानी के आर लक्ष्मण के बाद में बोला गया था घुड़सवार यानी हॉर्स रेसिंग जो होता है वो कैसा खेल है, एक कौशल का खेल है, क्या जुआ नहीं है। ओके, तीसरा उसके बाद क्या है, धीरेन्द्र चमोली बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में अभी निर्धारित किया गया कि समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत आकस्मिक रूप से नियोजित दैनिक मजदूरी पर काम करने वाले श्रमिकों पर भी, श्रमिकों यानी वर्कर्स पर भी क्या होते हैं, लागू होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाद पृथक्करणीयता के सिद्धांत से संबंधित है। ओके, ऑप्शन नंबर ए राम जवाया कपूर बनाम पंजाब राज, ऑप्शन बी एमसी मेहता बनाम भारत संघ, ऑप्शन सी रामेश थापर बनाम मद्रास राज, तो ऑप्शन डी विशाखा बनाम राजस्थान राज्य। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी रामेश्वर थापर बनाम मद्रास राज्य के बारे में बोला गया था कि पृथक करनेता का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था कि रामेश थापर बनाम मद्रास राज्य या 1950 सुप्रीम कोर्ट के बाद पृथक करनेता के सिद्धांत से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित बाद में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने यह निश्चय किया कि मूल अधिकारों को त्याग नहीं किया जा सकता। ओके, यानी मूल अधिकार का त्याग नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर ए बहराम खुर्शीद बनाम बम्बई राज। ओके, ऑप्शन बी विशेश्वरनाथ बनाम आयकर आयुक्त, ऑप्शन सी ओलगेतलिस बनाम बम्बई म्यूनसिपलिटी कॉरपोरेशन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी क्या है, इससे संबंधित मूल अधिकार का त्याग नहीं किया जा सकता है, सभी केस उससे संबंधित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर ए शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन बी समता का अधिकार, ऑप्शन सी समस्त नागरिकों को निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार तथा ऑप्शन डी धर्मों की स्वतंत्रता का अधिकार। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी
मूल अधिकार से कौन से संबंधित नहीं है, समस्त नागरिक को निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार है, मूल अधिकार संबंधित नहीं है, शोषण के विरुद्ध अधिकार मूल अधिकार है, समता के विरुद्ध अधिकार मूल अधिकार देता, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भी मूल अधिकार है, शिक्षा संबंधित अधिकार भी मूल अधिकार है, ओके, तथा क्या है समस्त नागरिक को निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार या मूल अधिकार नहीं है, ओके। व्याख्या देख लिया जाए, अनुच्छेद 1418 क्या बताया गया, समता का अधिकार बताया गया, ओके, जबकि 1418 समता का अधिकार बताया गया, 1922 तक क्या बताया गया, स्वतंत्रता का अधिकार, 23-24 क्या शोषण के विरुद्ध अधिकार, तथा 23-24 शोषण का अधिकार हो गया, ओके, तो 25-28 तक धर्म की स्वतंत्रता समेत मूल अधिकार है, किंतु समस्त नागरिक को निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार मूल अधिकार के रूप में नहीं है, बल्कि अनुच्छेद 39 कैपिटल ए के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर किसी अन्य रूप में निरयोग्य लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना एक नीति निर्देशक तत्व है, ओके, तथा अनुच्छेद 21 के अंतर्गत दैहिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार में भी सम्मिलित है, सामान्य न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता के संदर्भ में अनुच्छेद 39 कैपिटल ए को 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अधीन जोड़ा गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान के अनुच्छेद 14 का अंतर्गत समानता का अधिकार उपलब्ध है, ऑप्शन नंबर ए केवल नागरिकों को, ऑप्शन बी केवल गैर नागरिकों को, ऑप्शन सी केवल प्राकृतिक व्यक्तियों को, तथा ऑप्शन डी प्राकृतिक व्यक्तियों में विधिक व्यक्ति दोनों को। क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी अनुच्छेद 14 के अंतर्गत समानता का अधिकार जो उपलब्ध है किसको, व्यक्ति के प्राकृतिक व्यक्ति यानी नेचुरल पर्सन एंड विधिक व्यक्ति दोनों को प्राप्त है, ओके। भारतीय संविधान के अनुच्छेद, भारत संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत उल्लेखित विधि के समक्ष समता तथा विधि के समान संरक्षण का जो सिद्धांत प्राप्त है, यह व्यक्तियों तथा विधिक निगमित व्यक्तियों को तथा विदेशी को भी प्राप्त है, जबकि अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 तथा 30 यह अनुच्छेद किसे प्राप्त है, यह अनुच्छेद केवल और केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है, ओके, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 तथा 30, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 सर्वोत्तम उत्तर दीजिए, ओके। समता का अधिकार की गारंटी दी गई है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 14 से 18 के द्वारा, तथा ऑप्शन बी अनुच्छेद 14 द्वारा, ऑप्शन सी अनुच्छेद 14 और 15 के द्वारा, तथा ऑप्शन डी अनुच्छेद 14, 15 और 16 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच क्या किया गया, समता के अधिकार की गारंटी दी गई, ओके। अनुच्छेद 14 से 18 तक के समता के अधिकार से संबंधित प्रावधान है, ओके। अनुच्छेद 14 में क्या है, विधिक समक्ष समता बताया गया, जबकि अनुच्छेद 15 का धर्म मूल वंश जाति लिंग जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है, जबकि अनुच्छेद 16 क्या करता है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता को प्राप्त करता है, तथा तो अनुच्छेद 17 क्या बताता है, अस्पृश्यता का अंत, तथा अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत का प्रावधान करता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, भारतीय संविधान में विधि का शासन का प्रावधान मुख्यतः निम्नलिखित अनुच्छेद में किया गया, यानी भारतीय संविधान में रूल ऑफ लॉ का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 32, ऑप्शन सी अनुच्छेद 226 तथा ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी अनुच्छेद 14 के अंतर्गत भारतीय संविधान में क्या किया गया, रूल ऑफ लॉ यानी विधि के शासन का इसमें बताया गया अनुच्छेद 14 में, ओके। जबकि अनुच्छेद 32 में क्या बताया गया, PIL दाखिल होता है सुप्रीम कोर्ट में, ओके। जबकि अनुच्छेद किसमें होता है, अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट में होता है PIL दाखिल, ओके। इसका व्याख्या है, आप पोस्ट करके पढ़ सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, अनुच्छेद 14 में वाक्या विधियों के समान संरक्षण को लिया गया है, ओके। ऑप्शन ए ब्रिटिश के संविधान से, ऑप्शन बी अमेरिकन संविधान से, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलियन के संविधान से, तो ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी विधि के समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है, इसको लिया गया अमेरिका के संविधान से लिया गया, ओके। व्याख्या देख लेते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार भारत राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता यानी रूल ऑफ लॉ तथा विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाता। विधि के समक्ष समानता शब्दावली ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, ओके, क्योंकि विधि के समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान। यानी विधि के समक्ष अनुच्छेद 14 के संदर्भ में यदि पूछा जाए विधि के समक्ष समानता किस देश से लिया गया है, तो ब्रिटिश संविधान से, तथा विधियों के समान संरक्षण किस देश से लिया गया, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे उपयुक्त का चयन करें, ओके, सबसे जो उपयुक्त है उसका चयन करना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14
सभी व्यक्तियों को प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए कानून के समक्ष समानता, ऑप्शन बी आरक्षण, ऑप्शन सी कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण, ऑप्शन डी धार्मिक स्वतंत्रता। ओके क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण प्रदान करता है अनुच्छेद 14। ओके नेक्स्ट लोक अभियोजक में अवसर की समानता का अधिकार निम्नलिखित में उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर ए आरंभिक नियुक्ति, ऑप्शन नंबर बी पदोन्नति, ऑप्शन नंबर सी सेवा मुक्त, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी यानी आरंभिक नियुक्ति में भी क्या होते हैं अवसर की समानता होती है तथा लोक नियोजन में अवसर की समानता तथा पदोन्नति यानी प्रमोशन में भी सेवा मुक्त यानी रिटायरमेंट में भी क्या होती है इसमें क्या होती है अवसर की समानता होती है। ओके व्याख्या देख ले संविधान के अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता का अधिकार के प्रदान करता है। लोक नियोजन में अवसर की समानता का अधिकार में आरंभिक नियुक्ति पदोन्नति एवं सेवा मुक्ति सभी शामिल है। ओके समता और स्वेच्छाचारिता एक दूसरे के कट्टर शत्रु है निम्नलिखित में से किस मामले में कहा गया। ओके एक गोपाल बना मद्रास राज्य या फिर मेनका गांधी के मामले में, फिर खड़ग सिंह बना उत्तर प्रदेश राज्य या फिर उपरोक्त में से किसी भी मामले में ये नहीं कहा गया कि समता और स्वेच्छाचारी एक दूसरे का कट्टर शत्रु है। ओके क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त में से किसी भी बाद में नहीं बोला गया था कि समता और स्वेच्छाचारी एक दूसरे के कट्टर शत्रु है। ओके इसका व्याख्या देख लेते हैं। ईपीरोप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य के बाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि एक नया दृष्टिकोण सिद्धांत अपनाते हुए निर्णय दिया कि समता एक गतिशील धारणा है, इसके परंपरागत तथा सिद्धांतवाद की सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता। युक्तियुक्त का सिद्धांत समता के सिद्धांत का एक आवश्यक तत्व है जो अनुच्छेद 14 में सर्वदा विद्यमान रहता है। वस्तुतः समता और स्वेच्छाचारी एक दूसरे का कट्टर शत्रु है। जहाँ कोई मनमाना कार्य किया जाएगा वहाँ असमानता अवश्य होगा, अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण होगा। मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा कहा गया कि उपरोक्त वाद क्या क्या प्रतिस्थापित किया गया और समता के न्यून सिद्धांत की पुष्टि करते हुए उसे पुनः नए शब्द से दोहराया गया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसी विधि जिसके अनुसार जिस व्यक्ति के 2 से अधिक संतान होंगे वह पंच या सरपंच का पद धारण करने से निर्हत यानी अयोग्य होगा एक मान्य विधि है एवं संविधान के अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण नहीं करता। उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस वाद में निर्णय दिया। ऑप्शन नंबर ए PUCL बनाम भारत संघ, ऑप्शन नंबर बी जावेद बनाम हरियाणा राज्य तथा ऑप्शन सी इंदिरा जयसिंह बनाम महारजिस्टर तथा ऑप्शन डी मोहम्मद असलम बनाम भारत संघ। क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी जावेद बनाम हरियाणा राज्य के मामले में बोला गया था कि 2 बच्चे से अधिक संतान वाले व्यक्तियों को पंच या सरपंच के पद के अयोग्य घोषित करने वाली विधियों एक विधिमान्य कानून है। यह संविधान के अनुच्छेद 14 द्वारा प्रदत्त विधियों के समक्ष समानता के अधिकार का अतिक्रमण नहीं करता है। ओके जबकि PUCL बनाम भारत संघ के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने भी निर्धारित किया कि जो लोग खाद्य सामग्री खरीदने में असमर्थ है उन्हें अनुच्छेद 21 के अंतर्गत राज्य द्वारा मुफ्त खाद्य पाने का मूल अधिकार है। ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको मेरे द्वारा पसंद बनाया गया वीडियो पसंद आता हो तो ज़्यादा से ज़्यादा देखें तो अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।